और ये चेन सीधे गले में पहना दिया। हट जाओ। ऐसे होता है सेठ जी, शुरुआत ऐसे ही होती है। पहले चोरी का माल रख लेगा, बाद में उसे पसंद करने लगेगा, फिर तेरे बाप की जैसे जाके चोरी करेगा। अरे उसको करने देना चोरी, जाने देना नरक में, तू भी जाएगा क्या? वाह काकी वाह, घर में सब लोग सोच रहे हैं कि तुम लोग गरीब हो, नेक हो। काहे की गरीबी काकी? ये तेरी गरीबी, सोने की चेन, मोबाइल फोन है? आप गलत समझ रहे हो हमें। गब 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 रे, गलत तो हम लोग आज तक समझ रहे थे, तुम लोग का सही चेहरा तो आज नजर आया है। काई गफला काई कर तो तुझे नवरा गणपत चल बुला उसको, चल चल। वो काम पे गया है, घर में नहीं है वो, सब उसने कोई गलत काम नहीं किया। ए! तो ये सब खरीदने का पैसा आसमान से टपकता है क्या? छाणी बन रही है तू, सुदर्शन जैसी छाणी बन रही है तू। मैं तेरे गणपत को भाव के सामने डाल देगा ना, सब उगल देगा। किधर है वो जल्दी बता वरना इसको। सब बोला ना, वो काम पे गया है सच्ची, सब उसको क्यों आखिर लेके आदत लग गई है। उसी में शायद जीता होएगा कल पैसे, उसी में से लेके आया ये सब सेठ जी के लिए। छाणी बन रही है फिर से। ठीक ठीक है, पर एक बात याद रखना तू काकी, जब तक चोरी पकड़ी नहीं जाती तब तक वो तेरा गणपत और तेरा परिवार मेरे से सुरक्षित। लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया, वो उसको तो धोएगा, लेकिन उसके साथ भाव के साथ तेरी कल्लू पोरगी की शादी। नहीं होने देगा मैं, समझ रही है ना तू? नहीं साहब, नहीं साहब। हाँ हाँ, और एक और बात, तेरा गणपत घर तो आएगा ना, मेरे पास भिजवा देना। आई सब मेरी गलती है, मेरे को माफ कर दे आई, सब मेरी वजह से हुआ। चुप चुप। Oh, babe.
जाने के बाद सुदर्शन भाव क्या करेंगे उसके साथ? क्या कर रहा है तू?